ये 22 इंच का LCD पैनल है जो कि सैमसंग का है टीवी। इसमें नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है। अब इसमें आपको ये प्रॉब्लम दिखाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ, और ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पास जब इस समय ये जितने भी ओल्ड पैनल हैं रिपेयर के लिए आएंगे, क्योंकि न्यू पैनल जो है उसमें इतने प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो एक सिंगल IC पे सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपको पुराने पैनल मिलेंगे तो वहाँ पे कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं कि आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ STBR और लिखा हुआ STH, STBS। अब यहाँ पे आपको ये सब मालूम होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताते हैं केवल स्कैन के बारे में, जो कि पिक्सल की जितनी लाइनें हैं स्कैन जब होती हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टल जो हमारी स्कैनिंग होती है, हम इसे सर्किट डायग्राम के द्वारा बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दे उससे पहले कि ये जो पॉइंट बना हुआ है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है STH। ST मतलब हुआ स्टार्ट और यच मतलब हुआ हॉरिजेंटल। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है STV, इसका मतलब हुआ स्टार्ट, वी मतलब हुआ वर्टिकल और यस मतलब हुआ स्कैन। अब यहाँ पे स्कैन नहीं लिखा है, लेकिन ये दोनों स्कैनिंग का है, वर्टिकल हॉरिजेंटल। अब कैसे इसे हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है STH, यस। अब यहाँ पे जो है यस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है पॉइंट वही, इसलिए इसे बताते हैं कि यहाँ पे आपको ये ना लगे कि ये दूसरा सिग्नल है या वो दूसरा सिग्नल है। हम इसे कंटिन्यूटी मोड पे करते हैं मल्टीमीटर को। और इसे हम थोड़ा सा अब देखिए इसी पॉइंट पे रखते हैं, ये जो हमारा STH यहाँ पे, और यहाँ पे रखते हैं STS। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे यस नहीं लिखा है, लेकिन स्कैन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पॉइंट है, यानी जो ये कफ में जाते हैं तो ये जो है स्कैन के लिए हो गए। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे STV, यहाँ भी स्टार्ट वर्टिकल आर, आर मतलब हो गया राइट। अब इस साइड में चले आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये है STHR। अब यहाँ पे स्टार्ट हॉरिजॉन्टल राइट, यानी उधर वर्टिकल राइट था, इधर हॉरिजॉन्टल राइट है। अब यही स्कैनिंग आप सर्किट के द्वारा आप समझेंगे, डायग्राम के द्वारा, जो पिक्सल की लाइनें होती हैं वो कैसे स्कैन करती हैं, यानी स्कैन ड्राइव कैसे होता है, इसी लैंग्वेज के द्वारा हम बताएंगे। क्योंकि जब आपको ये समझना होगा पैनल के बारे में तो ये वहाँ पे जो है ये लैंग्वेज आएंगे, इसलिए इसके बारे में डिटेल बताते हैं। और यहाँ पे जो है जितने भी टेस्ट पॉइंट हैं, कुछ तो गेट एरिया के लिए हैं और बाकी जो है सोर्स के लिए हैं। अब सोर्स पे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 कफ यूज किए गए हैं, यानी 6 कफ यूज किए गए हैं। अब इनमें से हम एक एक के जो ये हैं टेस्ट पॉइंट और जिनमें ये लिखा हुआ है, जैसे OE हुआ, CKB हुआ, तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसका समझेंगे STBS और STH, तो इस चारों के मतलब समझेंगे कि कैसे स्कैन करते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। यानी अब हम आते हैं सोर्स कप पे कि इसकी ड्राइव कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आज हम आपको इसके कुछ लैंग्वेज हैं उसके बारे में बताना ज़रूरी है।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। अब इसे सप्लाई देते हैं। ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं वोल्टेज। सबसे पहले टीवी की ऑन कंडीशन में जो वोल्टेज देखा जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा 5 वोल्ट दिख रहा है। अब इसके बाद हमको सबसे पहले BDD यानी ये जो है वोल्टेज देखना है, यानी इसके बाद इसे चेक करना है। यहाँ पर देखिए 1.15। अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ देखेंगे बीच में जहाँ पे 3.3 बन रहा है, 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग है। अब इसमें इस फॉल्ट को जिसे चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये देखना है कि रेगुलेटर से जो है हमारा 3.3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखें, तो इसे हम ओपन करते हैं और ओपन करके इसे अलग से सप्लाई देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखें वोल्टेज, यहाँ पे टू पॉइंट फाइव वोल्ट बन रहे हैं और ये वोल्टेज इस आईसी में जा रही है, यानी टिकॉन आईसी में। अब यहाँ पे जो है ये सप्लाई सीधे यहाँ पर देखेंगे इस आईसी पे, ये 1.1, अभी ही 1.1। अब इसको हमको कैसे रिपेयर करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे 3.3 बनता है, देखिए एक जम्पर लगा हुआ है, हम इसको नहीं निकालेंगे। सबसे पहले इसे ओपन करेंगे, यानी ये जो है, और जूम करके दिखाएं, ये देखिए यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पे जम्पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है ये सीधे यहाँ पे ऐसे होते हुए ये इंटरनल यहाँ इस आईसी में गया है, और जब तक ये यहाँ पे आएगा नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं। अब यहाँ हम जब सप्लाई देंगे तभी क्लियर होगा कि ये प्रॉब्लम आईसी शॉर्टिंग है या इससे लगे कंपोनेंट फॉल्ट है। तो एक प्रकार से टेस्टिंग, इसकी कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। हम सप्लाई को निकाल लेते हैं, एक कंटिन्यूटी मोड पे करते हैं। अब यहाँ पे हम लगा के और सीधे इसके जहाँ से 3.3 वोल्ट निकल रहा है, देखिए शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, यानी लाइन क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम इसकी डिटेल एक एक पॉइंट को लेकर ओपन करेंगे कि इसके काम क्या हैं,
और फिर इकट्ठा सबको करके उसमें आपको एक साथ देखेंगे। पहले अलग-अलग देखेंगे कि इनके क्या-क्या काम हैं, और इस पे अगर लिखा है तो यहाँ पे कितने वोल्टेज होंगे और ये कहाँ जाते हैं। इसलिए इस पे परिचय कराना आपका ज़रूरी है, क्योंकि जब आप व्हाइट बोर्ड पे आएंगे तो वहाँ पे आपको ये नया शब्द ना लगे। इसलिए हम आज इस पे एक-एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।